क्या भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई है सीमा? क्या सीमा फरार हो गई है सचिन के घर से? आखिर क्यों 3 दिन से सीमा नजर नहीं आ रही है? क्यों मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है, लोगों से मेल मिलाप नहीं कर रही है? क्या है इसके पीछे की वजह? इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की खबरें अब तेजी से वायरल हो रही है कि क्या सीमा फिर से पाकिस्तान लौट गई है, भारत से भाग चुकी है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि बीते कई दिनों से जो चर्चा का विषय बनी हुई थी सीमा हैदर, अब वो सबसे कटती हुई दिखाई दे रही है। घर में भी अगर कोई उनसे बात करने के लिए पहुंच रहा है तो उनसे सीमा का किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोग मायूसी के साथ सचिन के घर से लौट रहे हैं। तो इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि सीमा को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। साथ ही साथ जो महिलाएं सीमा सचिन को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची हैं, उनकी भी मुलाकात सीमा से नहीं हुई। दूर दराज के लोग जो सीमा सचिन को मिलने आ रहे थे, वो भी खाली हाथ लौट रहे हैं। बीते कई दिनों से इनकी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर ही रही है, साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी खासी चर्चित दिखाई दी। और इस लव एंगल के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है पबजी गेम। पबजी गेम से सीमा का संपर्क सचिन से होता है और सचिन से प्यार करते करते सीमा सरहद पार करके यहाँ आ जाती है, जिसके बाद उसे तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। उसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जाती हैं। 4 बच्चों के साथ पोखरा से भारत में दाखिल होने वाली इस महिला को संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है, और अब यूं अचानक 3 दिन से किसी तरह का कोई संपर्क न करना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं सीमा वापस पाकिस्तान तो नहीं भाग गई है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सीमा सचिन की ये लव स्टोरी अब लोगों को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब इस लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है, इसका भी वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी रिपोर्ट पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।